नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। उद्देश्य मेन है कि हम लोग ये जो निर्वाचन होने जा रहा है इसमें हम लोग जोर का के उतरे हैं, लड़ाई में है और हम लोग आगे इस जो ये जो राज चल रहा है ये राज को ये हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े अगर बोला जाए दिग्गज टीएमसी के नेता माना जाता है उज्जल चटर्जी, सबसे बड़ा दिक्कत तो है आपका उज्जल चटर्जी, उनको किस तरीका से आप लोग परास्त कीजिएगा? क्या कोई अपना वहाँ अभी यहाँ का एम एल ए अपने आपको मैंने समझ लिया है, एम एल ए का भाषण देखे हैं, एम एल ए का भाषण है कि हमें हमारा सब किसी का जरूरत नहीं है, हम अकेले जीतेंगे, हमको कोई 20-22 एम ए काउंसिलर उसका उसका खिलाफ है, वो लोग वो काउंसिलर लोग का बारे में भी एम एल ए का मानता वही है या अपने को मैंने खुद घर से वो अपने आप भी करेंगे, ये तो परिस्थिति है। तो दिग्गज लोग कोई चीज़ नहीं है, यहाँ भगवान होता है वो भगवान का नाम है आम जनता, आम जनता जिसको दिग्गज बना कर रखेंगे वही रहेगा, आम जनता जिसको नहीं पसंद करेगा वो चला जाएगा। कितने बड़े बड़े दिग्गज चले गए, प्रधानमंत्री इंदिरा जी जैसे दिग्गज भी चले गए, तो ये तो एक एम एल ए है। दादा एक और आपका लड़ाई बीजेपी से भी है, क्या असर लग रहा है? बीजेपी है हमारा कुल्टी क्षेत्र में कोई फैक्टर नहीं, ताकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है हम कैंडिडेट को रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक डॉक्टर है सभा का, लेकिन ये जो इतना बड़ा परिस्थिति गया पूरा पश्चिम बंगाल में जिसमें कुल्टी भी शामिल है, उस वो उस टाइम मैंने हम बड़ा कर का आदमी लोग से पूछ रहे थे, वो डॉक्टर साहब को दरवाजा में खट्टा करने से भी खिड़की नहीं खोलता, ये तो पब्लिक का ग्रीवांस है। और दूसरा बात है कि बीजेपी जो किया है पूरा देश में ये तो छिपा हुआ चीज नहीं है, आज हम लोग भोग रहे हैं, आज हम लोग भोग रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई गैस सभी भोग रहे हैं, सब्जी अनाज पाती सब कुछ भोग रहे हैं हम, तो बीजेपी का विशेष करके जो हमारा बेकार युवा कुल्टी क्षेत्र का हमारा यहाँ क्या है हुआ है, हमारा तो यहाँ एम पी नहीं मिनिस्टर भी हिंदुस्तान केवल बगल में बंद करवा दिया, ISW बंद करवा दिया, इनसे कौन ऐसा करेगा, क्या ऐसा करेगा कि ये हमारा कोई काम कर सकता है, इनसे कोई हमको रिटर्न मिलेगा, हमारा कुल्टी क्षेत्र का बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं करेगा, ये तो मैंने झूठ में ये लोग माहिर है, ये लोग झूठ बोलने में एकदम आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन लोग का अपना जो सबसे बड़ा चीज़ है ये इतना कुछ कर रहा है, ये बोलता है दीदी तुमको ये करेंगे, दीदी आप तुमको यहाँ से फेंकेंगे, वो बोलता है दादा तुमको ये करेंगे, ये तो राजनीति है हमारे बंगाल के लिए, हमारे इसके लिए क्या होगा? हमारा कुल्टी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बचिया है हमारे बाबुल सुप्रियो जी, आप लोग को पता है कि बाबुल सुप्रियो जी यहाँ आए थे, जब पहला बार जीता तो कोयला चोरी करके तोड़ के जाके बैठ गया ECL का एक मत बाबुल सुप्रियो जी कि कोयला चोरी खत्म करेंगे, दो दिन बाद बाबुल सुप्रियो जी का आज तक कोई आवाज आप लोग को मिला है कि बाबुल सुप्रियो कोयला का विरोध में बोल रहा है? हमारा यह सिर्फ यहाँ इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री तो कोयला चोरी है, बालू चोरी है, लोहा चोरी है और बीच में बहुत तस्करी होता था, वही तो है इंडस्ट्री, बेकार युवा का आशा क्या करेगा? क्या क्या इशू लेके जा रहा है,
क्या क्या इशू लेके मिल रहा है लोगों का? बस सीधा जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर, भोग रहे हैं सर, आप कम से कम इससे उद्धार कर भोगने के लिए सोचिए। लोगों के पास मिल गए, किस तरह का सहारा मिल रहा है? बहुत अच्छा भूपा की सुना है। हम कल पर अभी भी हम लोग का संयुक्त मोर्चा का डायरेक्ट प्रचार स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी संयुक्त मोर्चा का मैंने आदेश पर हम कुछ जगह में गए हैं, जैसा कुल्टी में भी हम गए थे कई जगह में, हमको वो लोग बुला के ले गए, वहाँ बैठा वहाँ सुना उन लोगों को, और वो लोग सब मेरे खिलाफ से बात हुआ मेरा वो बात हुआ नहीं, वो लोग हमको रास्ता से बुला के ले गया, वहाँ भी हमें कोई रिस्पॉन्स अच्छा है। कोलियाली बैंक में भी हम गए थे, कोलियाली बैंक में जाके देखे वहाँ भी रिस्पॉन्स अच्छा है, ताकि कोलियाली वाले को तो डर पैदा कर दिया मोदी जी, ये डेली एक चीज सामान बेचने जाता है बेचता है, और बोलता है कांग्रेस 70 साल से कुछ किया नहीं, यूपीए का बैंक 70 साल से कुछ किया ही नहीं, और डेली एक चीज बेच देता है हमारा देश, ये पब्लिक का तो सब सामने आ गया। पता है दोनों पार्टियों में इन लोगों का लड़ाई है मंदिर और मस्जिद को लेकर के, आपका इशू क्या है? मंदिर और मस्जिद का इशू जो है ये मैंने कुछ सोच समझ के ये लोग हमारे देश को बांटने का तरीका दिया है। मंदिर और मस्जिद का इशू हमारा देश का देश में हिंसा फैला रहा है, हमारा देश में जो कर रहा है मंदिर और मस्जिद का इशू वो मैंने सोच का बाहर, जो आम पब्लिक नहीं चाहते हैं, कुछ आदमी इसको जबरदस्ती उछालता है, और उछालने वाले में कुछ मीडिया भी है जो इसको डेली खंगालता है उछालता है, इसको मंदिर मस्जिद एक्चुअल पब्लिक का इशू नहीं है। हम मंदिर मस्जिद भूखा पेट कहीं मंदिर भी नहीं जानता है, मस्जिद भी नहीं जानता है, ये क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो बुनियादी जो सवाल है, कुल्टी का जनता 15 साल से विश्वास करके एक तरफा वोट दे के कुल्टी में एमएलए को जीता है, कुल्टी का जनता 80,000 वोट का लीड दे के कुल्टी से एमपी जीता है बीजेपी का, अभी वो केंद्रीय मिनिस्टर भी है। कुल्टी का जो बुनियादी सवाल है, जैसे लगातार कुल्टी का ईस्टर्न कोलफील्ड का कोयला खदान बंद होने होते जा रहा है, एक दूठो नहीं अभी तक 6 कोयला खदान बंद हुआ, क्या कुल्टी का जनता ये अपेक्षा नहीं कर सकता? ये विधानसभा में ये सवाल उठाया जाए हमारा विधायक के द्वारा, आज तक तो उठा नहीं, कोई प्रमाण तो है नहीं। दूसरा बात है ये हमारा एमपी का द्वारा जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, ये मुद्दा उठाना चाहिए था, ये मुद्दा भी उठा नहीं, क्यों नहीं उठा? कुल्टी को जब 5 कोयला खदान एक तरफा बंद करने के लिए प्रबंधन की ओर से सिद्धांत लिया गया, तब बाबू सुप्रियो जी को ये उचित नहीं था जो कुल्टी 80,000 वोट का लीड दिलाया था एक आवाज बुलंद करे? क्या उज्जवल चैटर्जी जी को ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकता था जो उज्जवल सर कम से कम एक लफ्ज भी विधानसभा में बोले कि हमारे कुल्टी विधानसभा में 5 कोयला खदान क्यों बंद होगा? ये तो अपेक्षा था हम लोग का, लेकिन ये तो पूरा कभी नहीं हुआ, ये सवाल उठा ही नहीं। इसके साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र का अंदर जो सवाल उठा कि कुल्टी इतना घन आबादी का क्षेत्र होते हुए भी कुल्टी में एक बेहतरीन जो हॉस्पिटल का जो मांग आज 25 साल से उठते आ रहा है, ये आज तक इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? ये विधानसभा में इसका पैरवी क्यों नहीं हुआ? ये सवाल गूंज रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज 3 साल से कुल्टी का जनता जो झेल रहा है कि कुल्टी में हर बाली घाट का लाइसेंस खत्म करके कुल्टी में कई हजार हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि निर्माण मजदूरों का नौकरी छीना गया, आज बाली का माफियागिरी हो रहा, खुलेआम माफियागिरी हो रहा, तस्करी हो रहा, इसका खामियाजा हम लोग भोग रहे हैं, इसके बारे में तो विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठाया गया, क्यों नहीं उठाया गया? क्या कुल्टी में
हमारा विधायक जी से ये क्वेश्चन नहीं है, कुर्टी का जनता ये नहीं पूछेगा। आज एक साल से तमाघोड़िया बंद था और सात महीना से हमारा पश्चिम बंगाल सरकार का वहां पर जमीन अधिग्रहण डिपार्टमेंट में हमारा रामनगर का एक्सपांशन का मुद्दा गिरा हुआ है। क्या विधायक जी कुछ किए? कुछ तो नहीं किए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, चाहे कुर्टी का डेवलपमेंट का सवाल हो, चाहे कुर्टी अभी भी जो राष्ट्रीय उद्योग है इसको बचाने का सवाल पर, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, ये लोग का कोई भूमिका ये लोग अदा नहीं किया। इसीलिए हम लोग ये सब मुद्दा लेकर जनता का पास जा रहे हैं। देखिए, शुरुआती तौर पर हमारे प्रत्याशी की ओर से ये बात बोला गया सही ढंग से, ये बहुत सारे टीएमसी का दिग्गज रहते हुए भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बात तो सही आपने दोहराए, ये टीएमसी का बहुत सारे दिग्गज अभी बीजेपी का शतरंज का गज बन गए, तो ये हमारा लोकतंत्र का प्रदूषित प्रदूषण हो रहा है। खुलेआम ये लोग लोकतंत्र का प्रदूषित कर रहे हैं, यानी कि जनता का जो अधिकार, जनता का जो स्वाभिमान प्रत्यक्ष तौर पर बेच के हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक परंपरा है इसको प्रदूषित कर रहे हैं। ये भी आज का दिन में सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारा संविधान क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल पर भी हम लोग का लड़ाई हो रहा है। इससे क्या दादा आपको लाभ होगा? लाभ तो होगा, क्योंकि वास्तविकता ये है, जहाँ से 15 साल पहले हम लोग देखते थे ये झारखंड से धनबाद से जो लोकल आता रहा, चाहे देवघर से जो लोकल आता रहा, देखते थे हम लोग संताल परगना से हजार हजार आदमी यहाँ पर रिफेक्ट्री में काम करने आता था। अभी यहाँ से हजार हजार आदमी चाहे गुजरात हो चाहे कर्नाटक में काम करने जा रहा। इसीलिए जमीनी जो हकीकत है, जमीन का जो दुख है, नौजवान लोग का जो काम, हाथ में जो काम चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कुल्टी कुल्टी नहीं रह रही, कुल्टी में राष्ट्रीय उद्योग को भी आस्ते आस्ते समीटते हम लोग देख रहे हैं। विधायक का कोई रोल अदा नहीं है, एमपी का कोई रोल अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका बीच में हमारा लोकतंत्र को मजबूत करना, संविधान को मजबूत करने का साथ साथ कुल्टी का विकास को अहमियत देते हुए, कुल्टी का आम जनता बेरोजगार नौजवान नौजवानों का जो अधिकार है उसको प्रतिष्ठित करना हमारा लिए सबसे बड़ा मौका। मेरा सवाल ये लाभ, मतलब लाभ हम समझे नहीं। मान लीजिए आज जो टीएमसी से बीजेपी में जा रही या टीएमसी का आपस में जो फूट है उनसे क्या आपका जो कांग्रेस और बाम का जो ये है उसको लाभ मिलेगा इस इलेक्शन में? आपको हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं ये आप इस तरह का बुनियादी सवाल उठाएं। ये हमारे राष्ट्र विज्ञान का सबसे जो सूत्र जो है बुनियादी, उस इसमें उसूल और ईमानदारी का सबसे ज़्यादा अहमियत राजनीति में दिया गया। ये सबसे हम लोग पहला मर्तबा बंगाल में कम से कम देख रहे हैं कि बंगाल का पहला चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल घोष, विधान राय से लेके ज्योति बाबू बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तब राजनीति को इस ढंग से कारोबार का हिसाब से नैतिकता विहीन कारोबार में तब्दील करवाने का जो ठीका बीजेपी और टीएमसी लिया है, इतना घिनौनी हरकत बंगाल में हम लोग कभी नहीं देखे थे, ये हम लोग को देखने पड़ रहा है। इसीलिए ये स्थिति का अंदर ये तो हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज हेस्टिंग्स में घेराव हो रहा है, तोड़ भांग भी हो रहा है, गाली गुप्ता भी हो रहा है, बीजेपी का कई जिला ऑफिस जल गया। तो ये नया पुराना का जो लड़ाई, ये जो स्थिति, ये स्थिति बंगाल में हम लोग कभी अपेक्षा नहीं करते थे। ये एक नया राजनीति में प्रदूषण हो रहा है, लोकतंत्र में प्रदूषण हो रहा है। हम लोग का ये भी मकसद है कि जनता समझदार है, जरूर समझेगा। आज से ये 2 महीना जो खेल चला हमारा कुल्टी बेल्ट में, हमारा आसनसोल बेल्ट में, एक एक दिन में साइन बोर्ड चेंज होते जा रहा है, ये क्या तमाशा है? आखिर जनता का जो अधिकार है,
जनता का जो राय है, जनता का भी जो स्वाभिमान है उसका मर्यादा देना फर्ज है कि नहीं नेता लोग को, ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल हो गया। हम कोई भी दल में जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, लेकिन हजार हजार जनता का राय लेके उसको बिकने का अधिकार राजनीति कोई भी राजनीतिक नेता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी उसूल और ईमानदारी कम से कम राजनीति में अपेक्षित है।